हम आज बिहार की जो नई वैकेंसी UDSD अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट द्वारा निकाली गई है उसकी फॉर्म फिलअप करके देखेंगे और हम इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से भी आप लोग जाके डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या वहां पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। यहां पे जो आपको नोटिफिकेशन दोनों दिख रहा है अप्लाई नाउ और नोटिफिकेशन का लिंक, यह दोनों लिंक मैं आपको यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहां से आइएगा दोस्तों, यहां इस पेज पे आपको लैंड होगा और इस पेज पे आके आपको नीचे देखिए, यहां पे नीचे आके आपको अप्लाई पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको यहां पे एक नया पेज पे आपको नया पेज आपको ओपन होगा। उसके बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा, जिसमें आपको यह आपको ओपन के लिए है जो आपको बाहर से आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, और यह उसके नीचे यह आपको डिपार्टमेंटल के लिए है, और यह जो है आपको रिटायर पर्सन के लिए है। हम अब एक नया फॉर्म फिलअप करके देखते हैं। यहाँ पे क्लिक किया जाएगा तो यहाँ पे एक नया पेज आपको ओपन होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे आके, आप पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पे आके पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, और इसके पहले हम आपको बता दें कि आपको पहले से ही एक फ़ोटो 50 KB में और सिग्नेचर 20 KB में रखना होगा, और इसके साथ साथ आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में जो कि 400 KB से कम हो, एक टेंथ पासिंग सर्टिफिकेट, यदि क्लर्क का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 12th पासिंग सर्टिफिकेट, यदि आप डिप्लोमा पे फॉर्म भर रहे हैं तो आपको मैट्रिक, यदि इंटर करके डिप्लोमा किए हैं तो आपको डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट, और यदि आप बीटेक वाले फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 10th पासिंग सर्टिफिकेट, 12th पासिंग सर्टिफिकेट, बीटेक पासिंग सर्टिफिकेट, और यदि आप एमटेक वाले फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 10th पासिंग सर्टिफिकेट, 12th पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्री पासिंग सर्टिफिकेट, और मास्टर डिग्री का पासिंग सर्टिफिकेट, और इसके साथ ही साथ आप यदि क्लर्क का या स्टेनोग्राफर का या जूनियर इंजीनियर है या असिस्टेंट इंजीनियर या असिस्टेंट प्लानर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको किसी को कास्ट सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, यदि वो कास्ट से बिलोंग करता है तो, यदि जनरल से बिलोंग करता है तो उसके लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन यदि कास्ट से बिलोंग करता है तो उसको एक कास्ट सर्टिफिकेट का PDF भी जो 400 MB से कम का होना चाहिए अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे आपको नाउ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया, उसके बाद में एक नया पेज ओपन होगा। उसके बाद में आपको मैं यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर, यहाँ पे आपको पोस्ट अप्लाई पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे जितनी वैकेंसी है वो आपको खुल जाएगी, जो कि यहाँ पे आपको या बीटेक वाले के लिए या मास्टर डिग्री या तीनों आपको डिप्लोमा वाले या दोनों आपको 10+2, उसके नीचे आपको जो यह एक्सक्यूटिव है आपको बीटेक वाले के लिए या आपको डिग्री के लिए या आपको मास्टर डिग्री या आपको बीटेक वाले के लिए है।
अब इसके बाद में मैं आपको जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का फॉर्म फिलअप करके दिखाता हूँ। उसके बाद में मैं फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, मैंने वीडियो पॉज कर दिया, या इसलिए कि ताकि वीडियो लंबा ना हो। उसके बाद में आप यहाँ पे आके अपना नाम फिलअप करें, उसके बाद फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, यदि लेडीज हैं तो हस्बैंड नेम, जेंट्स हैं तो फादर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में आपको यदि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पे आपको टिक मारना होगा। उसके बाद जेंडर, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद में यदि आपको आपके दादा या परदादा को कोई आपको फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी था तो वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और उसके बाद में ईमेल, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद में एक पासवर्ड, उसके बाद फिर कन्फर्म, उसके बाद में आपको कैचअप डालना होगा, जो कि मैंने कैचअप डाला है। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में एक नया पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपको एक यूज़र आईडी मिल जाएगा, एक यूज़र आईडी और एक और पासवर्ड। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, हमको एक नया पेज पे वो रिडायरेक्ट किया, और वहाँ पे हमको जो यूज़र आईडी मिला था वह आपको डालना होगा और पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद में कैचअप डालना होगा, उसके बाद में आपको लॉगिन डालना होगा। मैं डाल के आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे डाल दिया तो कुछ इस तरह इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद में आपको पर्सनल डिटेल को क्लिक करना होगा। उसके बाद में मैंने पहले से ही डाल दिया हूँ ताकि आपका ज़्यादा मैं टाइम ना ले सकूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने पर्सनल डिटेल पहले डाला था उसको कोई यहाँ पे पहले ही ले लिया है या सब आपको। और उसके बाद में आपको यहाँ पे आधार कार्ड यदि आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो सेक्शन मैंडेटरी है उसमें स्टार मार्क किया हुआ है, जबकि ऐसा आधार कार्ड में कुछ नहीं है। उसके बाद में अपना कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस डालना है, जैसे मैंने आपने डाल दिया है। उसके बाद में पिन कोड डालना है, उसके बाद में आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों यदि सेम है तो यहाँ पे ओनली सेम एज एब पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में आपको ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, जैसे मैंने किया है। उसके बाद में डिक्लेरेशन, जैसे देख रहे हैं डिक्लेरेशन पे आपको को टिक आउट करके, उसके बाद में आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, सेव कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे गो टू होम पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको यह पुनः आपको पिछले पेज पे आपको ले जाएगा। उसके बाद में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना होगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने पहले से ही डाल दिया है। यदि आप सभी को तो मैट्रिक का डालना ही होगा, और यदि आप इंटर किए, आप यदि क्लर्क वाले होंगे तो आपको मैट्रिक और इंटर दोनों का अपलोड करना होगा। यदि आप मैट्रिक के बाद में डिप्लोमा किए होंगे तो मैट्रिक और डिप्लोमा का डालना होगा, और यदि आप मैट्रिक इंटर के बाद में डिप्लोमा किए होंगे तो मैट्रिक इंटर डिप्लोमा का डालना होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने आपको इंटर के बाद में डिप्लोमा किया, इसलिए मैंने तीनों डाला है। और यदि आप बीटेक वाले होंगे तो इसी सेक्शन में आपको उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन का डालना होगा, ग्रेजुएशन का आपको यहाँ इस सेक्शन में डालना होगा। यदि आप सीबीएसई वाले हो तो यहाँ पे जो आपको
जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि आपको नोटिस दिया है, यदि आपका प्रमाण CGPA में है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे आपको इस साइड में फिलअप करना होगा। जैसा कि आप पहले से ही फिलअप किया हुआ है, जैसे इस सेक्शन में आपको बोर्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी, उसके बाद में कहाँ से किए हैं, उसके बाद में आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन है, उसके बाद में कब पास आउट हुए हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे आइएगा इंटर वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको को दो ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको क्लिक किया तो आर्ट्स आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेव करके बैक टू होम पे क्लिक कर देना होगा। बैक टू होम, उसके बाद में कुछ इस तरह इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद में आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस फिलअप कीजिए। जैसे मैंने आप एक्सपीरियंस पे क्लिक किया, उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस डिटेल डालना होगा, कहाँ से आपको किस डिपार्टमेंट से या किस ऑर्गेनाइजेशन से किए हैं, उसके बाद में किस पोस्ट पे आपको काम करते थे, उसके बाद में आपको कितना पे स्केल या लेवल मिलता था। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपको कब कब ज्वाइन किए थे, कब तक काम किए थे, उसके बाद में आपको कौन जॉब नेचर क्या था, क्या काम किस टाइप का काम करते थे, और उसके बाद में आपका ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का था। यानी कहने का मतलब, जैसा कि देखिए मैं क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ पे खुल का आया। आपको क्या आपका गवर्नमेंट सेक्टर था या सेमी गवर्नमेंट था या प्राइवेट था या किसी अदर टाइप का था। जैसे आपको नॉन ऑर्गेनाइजेशन कोई इंस्टीट्यूट होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है उस टाइप का, तो मेरे पास कोई नहीं है तो इसलिए मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको सेव सेव क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में गो टू होम पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको रिडायरेक्ट करके पिछले पेज पे पहुँचा देगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे फोटो पे क्लिक कीजिएगा तो फोटो और सिग्नेचर दोनों आपको आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग के टाइम को बचाने के लिए मैंने वो पहले से ही अपलोड करके रखा हुआ है। एक एक लेडीज एक्ट्रेस का फोटो मैंने डाला हुआ है, क्योंकि ओनली मैं आपको डेमो पर्पस के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको यह फॉर्म फिलअप करने में आसानी हो। यहाँ पे मैंने आपको फोटो ही अपलोड कर दिया है, लेकिन आप लोग यहाँ पे फोटो ना बल्कि सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक सेव का ऑप्शन आएगा, उसके बाद में आपको सेव क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में गो टू होम का ऑप्शन आएगा, उसके बाद में यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। उसके बाद में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने पहले से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है, और यह डॉक्यूमेंट्स सब आपको लेस देन 400 KB के अंदर में होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मैंने वहाँ पे आपको इंटर का भी मार्क्स डाला था, इसलिए हमको को इंटर का भी आपको अपलोड करना पड़ा। और यदि आप इंटर का मार्क्स नहीं देते हैं तो आपको को इंटर का मार्क्स अपलोड करने की जो रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसके बाद में आपको मैट्रिक का तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद में टेक्निकल क्वालिफिकेशन, उसके बाद में जैसे कि देख रहे हैं कि आप लोग मैंने कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड किया है। उसके बाद में कुछ इस तरह इंटरफेस फेस खुलेगा। उसके बाद में जैसा कि देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे आपको दिखा रहा है आपको रेड वे, लेकिन आपको रेड कलर से आपको डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है की ज़रूरत रही है। उसके बाद में आपको सेव पे क्लिक करना होगा, उसके बाद में आपको यह पेज सेव हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं कि आप लोग कुछ इस तरह इंटरफेस खुल रहा है, जैसा कि यह खुल गया। उसके बाद में गो टू होम पे क्लिक कर दे रहा है। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, मेरा डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन भी फिलअप हो गया। उसके बाद में वैलिड ईमेल आईडी को उसके बाद में वेरीफाई करना पड़ेगा।
उसके बाद में कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपका ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपको बोलेगा। उसके बाद में आपको ईमेल पे आपको यहाँ पे जैसे आपको गेट ओटीपी फॉर ईमेल आईडी क्लिक कीजिएगा, उसके बाद में आपके ईमेल पे एक ओटीपी वेरिफिकेशन जाएगा, वेरिफिकेशन कोड, जैसा कि देख रहे हैं कि आपको लिख रहा है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन पे एक ईमेल पे आपको भेज दिया गया है। जैसा कि मैं अपने एक दूसरे मोबाइल पे ओटीपी मैंने पहले ही गलत ईमेल आईडी डाल दिया था, इसलिए मेरे ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी नहीं आ पा रहा है। जैसा कि वहाँ पे जैसे ही आपको क्लिक कीजिएगा गेट ओटीपी, जैसे ही आपको ईमेल आईडी पे आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा 4 डिजिट का, उसको यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट में वेरीफाई के क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको यह आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे गो टू होम पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में फ्रीलांसिंग एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करना होगा। उसके बाद में कुछ आपको इस तरह इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद में देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा डिक्लेरेशन। उसके बाद में फाइनल सबमिट कीजिएगा। उसके बाद में आपको नीचे दिखेगा कन्फर्मेशन, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फाइनली, पूछ रहा है कि क्या आप फाइनली सबमिट करना चाहते हैं, तो हाँ यस कीजिएगा। उसके बाद में आपको सबमिट होगा। मैंने अपना ईमेल आईडी वेरीफाई न कर पाया, इसलिए आपको हमको कुछ इस तरह नोटिस कर रहा है बोर्ड वेबसाइट, लेकिन आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उसको आप प्रिंट करके आप फ्यूचर में के लिए सेव रख सकते हैं। इस पूरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो आपको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह इस चैनल पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पूरी डिटेल के साथ मिलती रहेगी। थैंक यू।